भगवान का पवित्र नाम श्रवण करने, उच्चारण करने,
और भक्तों का संग में कीर्तन करने का अवसर मिला है। और विशेष रूप से इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जिन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से पूरे संसार में चैतन्य महाप्रभु के मिशन को हरिनाम संकीर्तन को फैलाया, तो निश्चित आज हम अपने कान को श्रवण कर धन्य करते हैं, अपने जीवा को अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, भगवान का कीर्तन भगवान की कथा का गान कर उनका कोई कारण है तो है इसकी भक्ति वेदांत स्वामी श्री। हमारा एक ही काम है कि कुछ भी भगवान के गुणगान भले टूटा फूटा आता हो लेकिन करना चाहिए, यही हमारी वाणी की सार्थकता है। वाणी भगवान ने दिया है तो वाणी भगवान के सेवा में लगाना ही जीव का कर्तव्य है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते तत्वाद विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोक क्रम बद्म बद्म नामानि नन्तानि यशोंकितानि शुण्वन्ति गायन्ति गृहन्ति साधवे। भलम कुछ भी आता है या ना आते टूटी फूटी वाणी से हमको भगवान के गुणगान गाना चाहिए। जब हम शुद्ध भाव से कोई वैष्णव अगर भगवान के गुणगान गाता है और अनेक प्रकार की त्रुटि रहते फिर भी साधु लोग जो है उनको सुनना पसंद करते, यही सार्थकता है हमारी। और चैतन्य महाप्रभु ने हमारे प्रभुपाद जी ने हमारे परंपरा ने हमको हमारी समस्त इंद्रिया को शुद्ध करने की प्रक्रिया सिखाई है। समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का हमको पूर्ण अवसर दिया, तो आभारी हैं आचार्यों का, भगवान का, जिसने हमको हमारे मनुष्य देह को सार्थक करने के लिए विशेष हम पर कृपा किया। तो कभी भी उनके ऋण को हम चुका नहीं सकते हैं, इसलिए हमको नित्य उनकी आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए और हमारे हृदय की शुद्धि हो इसलिए हमको अपनी वाणी को सार्थक करने के लिए कुछ गान करना चाहिए भगवान के विषय में और भगवान के विषय में शुद्ध करना चाहिए। तो हरि नाम के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। गौरांग महाप्रभु जो हरि नाम संकीर्तन है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमको जो विधि विधान है उनका अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए शुरुआत है विधि विधान। अगर हमको 10 माले तक पहुंचना है तो पहले हमको पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, यह विधि विधान। तो भक्ति में विधि विधान बहुत आवश्यक है, उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी कहते कि दूसरी जो भी क्रिया है, विधि विधान में अनेक क्रिया होती है, वो अनेक क्रिया जो है वो अनेक क्रियाओं में से बेस्ट क्रिया है हरे कृष्ण महामंत्र। तो महामंत्र का उच्चारण महामंत्र श्रवण करना चाहिए और महामंत्र का गान करना चाहिए। सभी विधानों में प्रभुपाद जी ने 16 माला जप का कहा है, 16 माला जप करना चाहिए गुरु की आज्ञा प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी एक बार पंजाब में थे, पंजाब में लेक्चर दे रहे बहुत लोग बैठे, उसी समय प्रभुपाद जी ने कहा कि 100% इन लोगों में से 100% भक्ति कौन करता है, किसी ने हाथ ऊपर। प्रभुपाद जी बोला 75% भक्ति कौन कर रहा है, 50% एक दो हाथ ऊपर हुआ, 25% 7-8 बहुत लोग हजारों की संख्या में लोग बैठे। रूपा जी ने कहा कम से कम हमको 16 माला करनी चाहिए, अगर 16 माला हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो 100% भक्ति पूर्ण होने में बहुत देर नहीं लगती। तो रूपा जी हमारे हरिश्वरी जो प्रभु है वो बारंबार कहते हैं, रूपा जी एक ही बात कहते सबको
कि आप 16 माला का जप है वो दृढ़ता से कीजिए। कोई व्यक्ति कहता प्रभुपाद जी आपके बुक्स वितरण करने में आपने जो हमको प्रचार करने की विधि सिखाई है उसमें बहुत व्यस्त है। प्रभुपाद जी कहते कोई बात नहीं, 2 घंटे कम सो लेकिन 16 माला पूरी कर। तो 16 माला का विधान प्रभुपाद जी दिए थे, 4 नियम का पालन करने को कहा था। 4 नियम कौन से हैं? विधि विधान में आते हैं तो मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और व्यभिचार नहीं करना। प्रभुपाद जी कहते कि ये 4 बड़े-बड़े पाप हैं जो नर्क में भी, जो 28 प्रकार के नर्क श्रीमद् भागवतम में कहा है उसमें से मुख्य ये 4 है नर्क। जो नशा करता है, जो व्यभिचार करता है, जो जुआ खेलता है और कोई मांसाहार करता है। प्रभुपाद जी कहते कि अगर कोई व्यक्ति को हरि कृष्ण महामंत्र अच्छी तरह से जप करना है, भगवान के धाम को प्राप्त कर अपने आप में शुद्धि करनी है तो उनको पाप से दूर रहना चाहिए, खास करके 4 नियम का पालन करना चाहिए। विदेशी लोग प्रभुपाद जी को कहते कि प्रभुपाद जी आप कहते हो कि 4 मांसाहार, नशा, जुआ और व्यभिचार नहीं करना चाहिए, 1 या 2 हमको छूट दीजिए, क्योंकि आप विदेश में प्रचार कर रहे हो तो यहाँ थोड़ा टफ है। प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं यहाँ शिष्य बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको एक उद्देश्य देने के लिए आया हूँ। अगर आप मानोगे मेरी बात आप शुद्ध हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा, आप सुखी हो जाओगे, आप आनंदित हो जाओगे। तो कभी भी प्रभुपाद जी ने 4 नियम पर, 4 नियम पक्का पालन करना है उसमें दृढ़ रहे, 4 नियम का पालन अचूक करना चाहिए, बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि 4 नियम पालन जो व्यक्ति करता है वो पाप से निश्चित दूर रहता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं प्रभु जी आप 4 नियम में चाय भी नहीं पीते हो, चाय भी हमारे इस्कॉन के भक्त नहीं पीते, वो भी नशा है। बच्चा छोटे इस्कॉन के छोटे बच्चे को भी दिखाओगे तो बोलेंगे नहीं चाय नहीं पी, वो नशा है। बहुत लोग आश्चर्य करते कि आप लोग ये 4 कार्य नहीं करते हो, जी कैसे लेते हो आप? लेकिन ये 4 कार्य है, आप आगे जाओगे सत्ययुग त्रेता युग में या द्वापर में ये सब कुछ नहीं होता था इतना, फिर भी लोग अच्छी तरह से जीते थे। और यहाँ इस्कॉन के भक्त जो है और जो भी भक्त जो 4 दिन का पालन करता है वो जीते हैं, बहुत अच्छी जीवन जीते हैं, बहुत अच्छा बहुत सुंदर जीवन। 4 दिन जो है वो पाप, बहुत पाप है ये 4 चीज जो करने। और जो व्यक्ति प्रभुपाद जी कहते कि वो जो व्यक्ति 4 दिन का पालन नहीं करता निश्चित ये जो भगवान की भक्ति है उनके लिए नहीं। प्रभुपाद जी बारम्बार 4 दिन पालन करने के, क्योंकि श्रीमद भागवतम के शुरुआत में पहले स्कंध में ही परीक्षित और कली के संवाद में आता। तो प्रभुपाद जी विधि विधान में 4 दिन का पालन और 16 माला पर जप करते। और दूसरे जो 4 नियम है माला करने के 4 नियम है, प्रभुपाद जी कहते पहला है प्रातःकाल सुबह उठकर जप करना चाहिए, सुबह उठकर जप करना चाहिए सत्वगुण। दूसरा कहते पूर्ण एकाग्र होना चाहिए, अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। हम क्या करते हैं हमारा मन इधर उधर भटकता है। जब हम मान लीजिए तनख्वाह ही है घर पर, पगार क्या बोलते हैं, जॉब करते तो तनख्वाह आती है या बिजनेस करते, तो जब शाम को हम पैसे गिनते हैं जितनी एकाग्रता होती है उसमें भूल नहीं होती, कोई आ भी गया तो उसको डांट कर भगा देंगे, वहां कितनी एकाग्रता है। और जब नाम जप करते हैं तो हम विचार करते हैं नाम जप करते करते कि कब ये माला खत्म हो और कब मैं वो काम चालू करूं, मेरा इंपोर्टेंट काम चालू करूं। तो ये क्या है, मूर्ख है वो व्यक्ति जो भगवान के नाम को इंपोर्टेंट नहीं देता है और दूसरे काम को विचार करता रहता है। जो भी दूसरा काम विचार करेगा सब बंधन का कारण है, दुख का कारण है। और दुख चिंता उपाधि से छूटने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लिया, लेकिन भगवान के नाम माला पकड़ने के बाद भी कर क्या रहा है वो विषय का चिंतन कर रहा है, एकाग्र नहीं है उनका मन।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं प्रातः काल सुबह जप करना, अभी तो भगवान की ऐसी कृपा है ना, अगर भक्ति करनी है तो, बाकी तो चिंता ही है कोरोना में ना? जो व्यक्ति भक्ति करना चाहते हो अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 4-5-6 महीना जो भी लॉकडाउन है बंद है सब कुछ, तब तक रचिता से प्रैक्टिस करके 6 महीना में वो सुबह जल्दी जगना, 16 माला जप करना। दूसरा कहते एकाग्रता होनी चाहिए। तीसरा है सुस्पष्ट उच्चारण, उच्चारण भी कैसा होना चाहिए, सुस्पष्ट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब कोई व्यक्ति एकाग्रता पूर्वक जप करता है और इस तरह से स्पष्ट नाम जप करता है, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस तरह से जप करता है तो धीरे धीरे उनकी गति में स्पीड आए। कोई कोई व्यक्ति होता है जो 2.25 घंटे 2.5 घंटे तक जप कर तब जाकर 16 माला खत्म होती है, कोई व्यक्ति 2 घंटे, रूपा जी कहते हैं मिनिमम 2 घंटे में माला खत्म हो जाती है, हो जाते हैं बीच बीच में तो फिर 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी हो जाता है। कोई ऐसा सोता है मतलब बाकी संसार भी सब कुछ काम करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नींद नहीं है, जैसे ही माला पकड़ता है तुरंत नींद आ, पूरा दिन घिसता रहता है लेकिन फिर भी 16 माला। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ये जो 4 है स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण करेगा तो धीरे 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 उसकी स्पीड आएगी, परिणाम स्पष्ट उच्चारण भी होगा और नाम में स्पीड भी आएगी। कोई कोई व्यक्ति होता है 1.5 घंटे में भी 16 माला खत्म कर देते, तो क्यों खत्म करते थे प्रभुपाद जी, वो जो भक्त होता है वो ऐसी सुकृति लेकर आया है, पिछले जन्म में वो व्यक्ति ने प्रैक्टिस किया इसलिए वो भी बहुत स्पीड से नाम ले रहा, स्पष्ट भी है। उच्चारण अच्छा होना चाहिए, सतर्क श्रवण, चौथा क्या है सतर्क श्रवण, हम बोल तो रहे हो लेकिन अगर मन नहीं है वो नाम पर महामंत्र पर बल होना चाहिए, वो महामंत्र पर बल नहीं है तो क्या होगा, तो अगर नाम पर मन नहीं है तो निश्चित हमारा एकाग्रता भंग हो जाएगा, हमारा विचार नष्ट हो जाएगा। इससे हम जो भी बोलते तो कहते प्रभुपाद जी सतर्क श्रवण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुंदर श्रवण भी होना चाहिए। 4 नियम कहते माला के, प्रातकालीन जप करना पूर्ण एकाग्रता, तीसरा है सुस्पष्ट उच्चारण और चौथा है सतर्क श्रवण, हरि नाम हरे कृष्ण नाम। रूपा जी कहते और एक सावधानी कहते हैं कि और खास जल्दी जल्दी जप करने का प्रयत्न मत करो, वो आ जाएंगी स्पीड, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आ जाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी श्रवण करने का चिंता मत करो। आप कहते रूपा जी के सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो हरे कृष्ण महामंत्र अपने जीवा से उच्चारण करते हो उनको श्रवण करना चाहिए। अगर आप बहुत स्पीड से महामंत्र जप रहे हो लेकिन मुंह से निकलता है और बाहर चला जाता है, कान तक पहुंचना चाहिए, श्रवण होना चाहिए, तब जाके उसका इफेक्ट आएगा ना। माने बहुत टाइम तक हम करते रहेंगे लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आएगा ना, हमको जो प्रोसेस होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी विधि विधान बहुत परफेक्ट समझा रहे हैं, व्यक्ति को महत्वपूर्ण श्रवण करना, चिंता मत करो स्पीड से नाम नहीं, कोई बात नहीं धीरे धीरे लो, 2 घंटे में आप अपनी माला खत्म करो कोई बात नहीं, लेकिन श्रवण होना चाहिए परफेक्ट। अगर परफेक्ट श्रवण भी हो रहा है तो स्पीड बढ़ाओ कोई बात, अगर आप ध्यान पूर्वक कर रहे हो जब तो स्पीड बढ़ेगी अपने आप को स्पीड बढ़ेगी। रूपा जी कहते हैं कि चिंता। अब भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जब से पहले जब करने बैठते तो प्राय लोग भक्त होते हैं वो मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं, हमारे आचार्य भी याद करते हैं, वो बहुत अच्छा है,
अच्छा भैया, लेकिन भक्तिवेद ठाकुर यहाँ कहते हैं कि जब हम जब चालू करते हैं सुबह तो उससे पहले क्या करना चाहिए, तो श्लोक कहते हैं और श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। तो कहते हैं कि त्रिभंग भंगी मूपम वैनुरंग करम चितम गोपी मंडल मध्यस्तम स्वराई नंद नंदनम। कहते कि मैं नंद के पुत्र का ध्यान करता हूँ जो ब्रज गोपी मंडल के मध्य खड़े होकर अपने मनोहर त्रिभंग रूप में वंशी वदन करते। त्रिभंग सुंदर देह मुरली वादन पीतांबर वन माला मदन मोहन। गोपियों के बीच में भगवान खड़े हैं त्रिभंग ललित, त्रिभंग रूपम वैनु रंग करंचितम, क्या लेकर खड़े हैं, वैनु लेकर खड़े हैं और सुंदर मुरली बजा रहे हैं भगवान गोपियों के बीच में। तो ध्यान करते हुए श्लोक का उच्चारण करते हुए जप का प्रारंभ करना चाहिए और जब अंत हो जाए, 16 माला का जप हो जाए, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि पहले 16 माला जब समाप्त हो जाए तो तुरंत मिनिमम 2 मिनट के लिए आपको मौन आंखें बंद कर या भले आंखें खुली रखकर शांति से बैठना, शांति से बैठ। उसके बाद आप जो क्रिया है, लेकिन जब आपका समाप्त हो जाए तो तुरंत आपको जब समाप्त होने के बाद दीक्षित लोग बोलना है। कहते हैं प्रणमेत दंडवत भूमो भक्ति प्राणेत चेतसा दशवारं जपेन मंत्रं तत स्तोत्र मुदीरये। कहते भक्ति के साथ भगवान को नमस्कार करते हुए भूमि पर दंडवत समान गिरना और ये मंत्र का उच्चारण, ये मंत्र का उच्चारण करते करते दंडवत प्रणाम करते करते हरिनाम प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से विधि बताते। वैसे हमारे जो भक्त है वो प्राय शुरुआत करते पहले हम मंगलाचरण उनको याद होना चाहिए। अगर मंगलाचरण सुबह गाकर मंगलाचरण का उच्चारण कर हम जब जप चालू करते तो आचार्य की कृपा मिलते हैं। ये भी विधि हमको भक्ति ठाकुर ने दिया है तो भी हम कर सकते हैं। तुलसी माला के ऊपर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस तरह शाक्त व्यक्ति है, शाक्त मतलब दुर्गा के भक्त को शाक्त कहते हैं, शिव के भक्त को शैव कहते हैं और भगवान विष्णु के भक्त को विष्णु। तो यहाँ कहते हैं कि जो शाक्त है वो शीशम के बीड़ मतलब शीशम के लकड़ी की माला घुमाते हैं, जैसे हम तुलसी की, वैसे वो शीशम के जो व्यक्ति दुर्गा का भक्त होता है। जो शिव मतलब शिव का भक्त है वो रुद्राक्ष की माला घुमाता है और जो विष्णु है वो तुलसी की माला का जप करता है। तुलसी देवी कृष्ण को प्रिय है, सुबह गाते हैं तुलसी कृष्ण प्रिय। जो कोई व्यक्ति छूता है तुलसी को, धारण करता है, पूजा करता है, भगवान उन पर विशेष प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भक्ति महाराज तुलसी महारानी भगवान के चरण कमल में रहती है और कहते हैं कि सखी है, राधा रानी की सखी है। तो जब तुलसी महारानी को प्रसन्न कर लेंगे तो राधा और कृष्ण दोनों को हमारे विषय में कहेंगे और हमको भक्ति प्रदान, भगवान का दिव्य धाम प्रदान हो। तो तुलसी महारानी को हमको निश्चित प्रार्थना करनी चाहिए। पद्म पुराण में तो सुंदर कथा है कि जो तुलसी महारानी है, एक व्यक्ति था जो बहुत पापी था, जंगल में जा रहा था, उसी समय अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर है उसका जो बैलगाड़ी है उल्टा हो गया और जैसे वो गिरा तो उनका सिर पत्थर पर टकराया और वहीं मर गया। लेकिन उनका हाथ जो है एक तुलसी का पौधा था छोटा सा, उनको टच हुआ। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं कि पापी था, यमदूत लेने आए उसको लेकर जा नहीं सके, क्यों, क्योंकि उनका हाथ तुलसी को स्पर्श यहाँ कहा गया है कोई छूता है, धारण करता है, उसकी पूजा भी करता है,
निश्चित भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यमेन चर्चा, उसकी यम चर्चा नहीं कर पाते। और तुलसी के विषय में और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, यन कंठ तुलसी नास्ति तेन राम, जो व्यक्ति के कंठ में तुलसी नहीं है वो तो व्यक्ति मूढ़ है। वो तो मनुष्य कैसा है? मूढ़ है। सौ मूर्ख को इकट्ठा करते हैं ना तो मूढ़ बनता है। मूढ़ है व्यक्ति, वो मनुष्य रूप में व्यक्ति मूढ़ है। स्नान तिष्ठम च तस्याणं जलम च मदिरा समम, कहते हैं कि स्नान तिष्ठम च यस्यानं जलम च मदिरा समम। वो अधम मूड निकृष्ट है और जो चीज वो गले से उतारता है तो उसमें बहुत तो शब्द ऐसा दिया है लेकिन कचरे समान है। वो खाना भी तुलसी नहीं पहनता है और वो गले से कुछ उतारता है, क्योंकि जो तुलसी है ना इसको हमको कंठी बोलते हैं, जो कंठ से लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि इतना टाइट तुलसी आप क्यों बांधते हो, उसका कारण है कि कंठी किसको बोलते हैं, जो कंठ के साथ स्पर्श, और जब हम कोई भी वस्तु खाते तो गले से स्पर्श होकर अंदर उतरती है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति कंठी नहीं पहनता है, माला नहीं पहनता है तुलसी की, तो खाता है तो कचरा खाने समान है और उनका कोई आध्यात्मिक फल नहीं है। जब पीवे वो पानी पीता है, कुछ भी पेय पदार्थ पीता है तो मदिरा पीने समान। पद्म पुराण का श्लोक है ना, इसलिए कंठी धारण करने चाहिए। और जो व्यक्ति कंठी धारण करता है और कुछ खाता है तो प्रसाद के रूप में अंदर चला जाता है और कहते हैं कि वो सो अश्वमेध यज्ञ जितना पद्म पुराण का श्लोक है सब। स्नान काले तु यशांगे वर्तते तुलसी शिवा सर्व तीर्थेश स्नानं तथा भवेते तू न संशया। स्नान करते समय कोई व्यक्ति तुलसी कंठी पहनता है, पहना हुआ है तो सर्व तीर्थ स्नान करने का उसको फल मिल जाता है। स्नानं काले तु यशांगे, यशांग मतलब खुद के अंग में, वर्तते तुलसी शुभा, तुलसी को धारण करता है जो बहुत शुभ है। सर्व तीर्थेश स्नानं तथा भवते तू न संशया, निश्चित वो व्यक्ति जो है वो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। भवते तू न संशय, उसमें कोई संशय बहुत सुंदर यहाँ तुलसी की महिमा। मतलब हम जो तुलसी की माला करते हैं खास करके तुलसी जो है उसको जपना चाहिए, तुलसी बहुत पवित्र होता है। तो प्राय लोग कहते हैं प्रभु जी तुलसी माला मुझे चाहिए, मतलब करना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं इस शुरुआत में तो ऐसे साली माला करते, धीरे धीरे वो जब फॉलो करता है नियम तो तुलसी माला जपनी चाहिए। और जिसके पास तुलसी माला नहीं है उनको तुलसी माला अगर वो नियम फॉलो करता है, सोलह माला करता है, बोले दीक्षा न भी हुई हो, दीक्षा के बाद तो होती है, दीक्षा न भी हुई हो तो उनको फिर भी फिर उसको तुलसी माला जप करना चाहिए। और तुलसी माला नहीं है तो मगा लेना चाहिए वृंदावन। हरिदास ठाकुर जो है मानसिक जप करते, तीन प्रकार के जप करते आगे चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि उपांशु जप और वेखरी जप। उपांशु जप जो है वो एकदम मन में करते हैं और वेखरी जो जप है वो उच्च स्वर से, और उच्च स्वर से कितना, जितना खुद को सुनाई दे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जप करने बैठे तो ऋषि करते परेशान कर देते, जोर जोर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम, वो बेचारा बाजू वाला बैठा डर जाता है तुरंत तो क्या हुआ भाई। तो ऐसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जप करते समय। रूपा जी इतना कहते हैं कि जब हम जप करते हैं तो मिनिमम हमको सुनाई दे इतना जप करना चाहिए, मतलब आजू बाजू वाले को श्रवण सुनाई दे इतना जप करना चाहिए, मतलब जोर जोर से चिल्लाना या शेर की तरह आवाज करना ठीक नहीं। बहुत मधुर, क्योंकि भगवान का नाम मधुर है तो मधुर भाव से उनको लेने का प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे।
हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। मधुर भाव स्वरूप को लेना चाहिए। तो दो प्रकार के जप कहा गया है। तो कहते हैं जो उपांशु जप है वो वेखरी जप से अच्छा है, सौ गुना अच्छा है। जो मन में जप करता है ऐसा शास्त्र में लिखा भी गया है। लेकिन हमारे हरि भक्ति विलास में तीन प्रकार के जप सनातन स्वामी के। तो उच्च स्वर से होठ जो है फफड़ाते हैं ना, तो व्यक्ति जप करता है तो आवाज नहीं आती, ओनली होठ हिलते, आवाज नहीं आती। हाँ, उनको पता चलता है कि मैं जप कर रहा हूँ अच्छी तरह से, लेकिन आवाज बाहर नहीं। तो तीसरा जो है वो मन में होता है। हमारे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि शास्त्र में मानसिक जप जो है उनकी भी चर्चा हुई है, और उच्च स्वर से जो जप है उनकी भी चर्चा, दोनों को श्रेष्ठ माना गया है। और कहते कि प्रत्येक मंत्र को मन में जपने की विधि है, जैसे गायत्री मंत्र और पर हरे कृष्ण महामंत्र है, वो दोनों विधि से हम जप सकते। तो फिर भी ये जो दो विधि है, मन में जपने की और उच्च स्वर से जपने की जो दो विधि है, उसमें श्रेष्ठ प्रभु अर्जुन कलयुग को ध्यान में रखते हुए कलयुग के लोगों की बुद्धि को देखकर मन को देखकर रूपा जी कहते कि उच्च स्वर से जप। कहते हैं कि हम जब मानसिक जप करते हैं तो मानसिक जप में नशे हमारा मन इतना विचलित है तो कहीं कहीं भाग जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जोर से जप करना चाहिए जिससे नींद भी न आए और हमारा खुद का मन है उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न भी कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे एक प्रश्न व्यक्ति मान के करे कि अगर उपांशु जप है और वेखरी जप है, मानसिक जप श्रेष्ठ कहा गया है, तो फिर ये जो उच्च स्वर से जप है उनकी वो करने को क्यों बोला जाता है। मानसिक जप की ही शास्त्र बात करता है तो फिर उच्च स्वर से जप की बात क्यों करते हो आप। तो प्रभुपाद जी जवाब देते हुए कहते हैं कि हरिदास ठाकुर जो है, हरिदास ठाकुर 192 माला जप करते थे, 64 जो माला है वो माला मन में जप करते थे हरिदास ठाकुर, और दूसरी जो 64 माला है वो धीमे धीमे बोलते हुए जप करते थे, और तीसरी माला है उच्च स्वर से जप करते थे। तो यहाँ रूपा जी कहते कि तीनों प्रकार से हरिदास ठाकुर जप करते थे, है ना। और हरिदास की निंदा करने वाले भी बहुत थे कि आपको शास्त्र कहते हैं कि मन में जपना चाहिए मंत्र, कि आप जोर जोर से क्यों चिल्लाते हो। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं जोर से चिल्ला इसलिए रहा हूँ कि जो बद्ध जीव है, दूसरे जीव जंतु है, उनके उनके पास शक्ति नहीं है कि भगवान का नाम ले सके, लेकिन मैं लूंगा और श्रवण करके उनका उद्धार हो जाएगा। तो हरिदास ठाकुर प्राय उनको ये विधि समझाते और निश्चित ये विधि अच्छी है, जब श्रवण जब बोले ऐसे उच्चारण करें जितने आजू बाजू में सुनाए। और जो हरिदास ठाकुर हैं वो यन्नाम श्रुति मात्रेण के श्रवण करेंगे जीव तो निश्चय उनका उद्धार होगा। श्रीमद् भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी पाद 10वें स्कंद के 34वें अध्याय के 70वें नंबर में श्लोक में कहते हैं, ब्रह्म दंडादि मुक्तो हम सद्यस्ते चित्त दर्शना यन्नाम गृहंत अखिलान श्रोतुम आत्मानमेव वे सद्य गुणाति किं भूतस्य स्पष्टा यदा हिते मनः। कहते हैं हे अच्युता, जो भी आपके नाम का जप करता है वे अपने साथ श्रोताओं को भी पवित्र गुणाति मतलब पवित्र कर, श्रोता को जो श्रवण भी कर रहा है आपके नाम का और श्रोताओं को भी पावन कर देता है आपका नाम का जप। इससे मन में जप जो करते हैं उससे बेस्ट है कि कोई व्यक्ति उच्च स्वर से जप करे। तो प्रभुपाद जी की विशेष इच्छा थी कि व्यक्ति जोर से जप करे, मन से न करे। हाँ, भक्ति की अमूक अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति फिर वो करता है इस तरह। इससे हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने उच्च स्वर से कहा, आचार्य ने उच्च स्वर से कहा है कि प्रभु जी हैं, बोलते नहीं है, मौत से हो सकता है उनकी स्थिति कुछ और हो,
तो हमको ये सब जो विधि विधान है दूसरों पर दोष निकालने के लिए विधि विधान नहीं है, अपना उद्धार करने के लिए विधि विधान है। हम ये सब जब हम शुरुआत में हम इस्कॉन ज्वाइन किया तो हमारे जो शिक्षा गुरु थे जो समझाते थे तब तो हमको सीधा बोलते कि आप जो है वो विष्णु आचरण का जो बुक्स है वो पढ़ लेते हो, कोई व्यक्ति पढ़ तो पढ़ने के बाद हम क्या करते अपने आप में अप्लाई नहीं करते, दूसरों में दोष निकालने के लिए अप्लाई करते। तो दूसरों को दोष नहीं निकालना चाहिए, ये जो है हमारे लिए है। मैं कहा दूसरा जो व्यक्ति कुछ कर रहा हो सकता है उसकी स्थिति कुछ और हो, पर आप उस पर दोष निकाल रहे हो और दोष देखने की दृष्टि हो गई ना तो भक्ति साइड में पड़े, उस पर ध्यान मत दो, मन डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ छोड़ो, भगवान के हवाले करो और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। यही बात चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, है ना, नारदेव पुराण में प्रहलाद महाराज भी कहते, प्रहलाद महाराज कहते हैं जय तो हरि नामानि थानम शत गुणाधिक आत्मान चंपुनाति उच्चेर जयन श्रीतृण पुनाति। प्रहलाद महाराज कहते हैं हरि नाम जपने वाला व्यक्ति चुपचाप जपने वाले व्यक्ति से 100 गुना श्रेष्ठ है। प्रहलाद महाराज कहते हैं हरि नाम व्यक्ति जपता है वो चुपचाप मौन जपता है उसे श्रेष्ठ 100 गुना श्रेष्ठ है कि व्यक्ति जोर से उच्चारण करे। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से ही पूछा था। हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु जी कोई चिंता नहीं है, जो बद्ध जीव है वो भले आपके नाम का उच्चारण नहीं कर सकता, श्रवण तो कर सकता है ना, हम जोर से उच्चारण करेंगे तो श्रवण करेगा निश्चित। फिर श्लोक नाम शुद्ध मात्रेण पुमान भवति निर्मल। इस तरह से हरिदास ठाकुर ने तुरंत कहा ना, कहते कि निस्वार्थ जो भक्त होते वो चिंता करते, जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, किसी का स्वार्थ नहीं है, किसी की आशा भी नहीं है, आशा नहीं, बस वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, अपनी वाणी को, अपने जीवा को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम का उच्चारण करते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की कथा गान करता, भगवान की प्रसन्न, ये भाव से हम जब करते हैं ना तो निश्चित भगवान कृपा करते। भाव होना चाहिए अंदर, बाहर दिखावा नहीं, दिखावा करें भगवान को तो सब पता है, मतलब बाहरी दुनिया को हम ठग लेंगे, भगवान को तो पता है। ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, और हम अगर ढोंग करेंगे किसी को दिखाने के लिए कुछ करेंगे, बाहरी लोग हो सकते हैं आपको कुछ वाह वाह दे दे, मान सम्मान दे दे, अंदर जो भगवान है जो भक्ति की तरफ प्रसन्न होता है वो हमसे, तो भक्ति जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। तो कहते हैं निस्वार्थ जो भक्त है वो चिंतन करता है और विचार करता है कि समस्त जीव का उद्धार क्या, वो खुद की चिंता नहीं करता है। इसे तो प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को कहा, हे प्रभु बड़े बड़े जो योगी हैं तो योगी अपना खुद का उद्धार करने के लिए हिमालय चले जाते हैं, और हिमालय जाकर वो ध्यान योग करते हैं, क्यों, खुद का उद्धार, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूं स्वार्थी। हे प्रभु मैं आपके नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन किया है और मैंने अनुभव किया है कि प्रभु आपके नाम गुण रूप लीला में कितना आनंद है, जो मुझे आनंद मिला है और जो मुझे आपके धाम में आने का जो रास्ता मिला है वो रास्ता वो आनंद मैं समस्त जीव को देना चाहता हूँ, जो आपको नहीं जानते जो बद्ध जीव पड़े उनको मैं प्रचार करना चाहता हूँ आपके नाम रूप गुण लीला। तो ऐसे ऐसे जो भक्त होते हैं, ऐसे भक्त की इच्छा होती है कि प्रचार एन एन प्रकार प्रचार होना चाहे, प्रयत्न करना चाहे कि ये जो शास्त्र के वाक्य है हम दूसरों तक पहुंचाए। और प्रभुपाद जी को देखिए 70 साल की उम्र विदेश गए और स्थापित था, क्यों, हृदय में प्रभुपाद जी के हृदय में एक करुणा उमड़ रही थी और करुणा के द्वारा विचार करते मैं कैसे इस संसार के लोगों का उद्धार करूं, क्योंकि भगवान में करुणा है, कृष्ण करुणा से
तो जब भगवान में करुणा है, हम भगवान के अंश है, तो निश्चित हम में भी करुणा। रूपाल जी में करुणा आई और रूपाल जी निश्चित उद्धार करने के लिए हम सबका विदेश गए और वहां से इस्कॉन की स्थापना की। और अभी देखिए पूरे विश्व में इस्कॉन हरे कृष्ण महामंत्र भगवत गीता भागवतम के द्वारा और सुंदर हजारों लाखों करोड़ों लोग भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। और क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि जब व्यक्ति उच्च स्वर से जप करता है तो समस्त जीव का उद्धार होता है और उस समय जीव है उसकी सकृति जो है वो बढ़ती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उच्च स्वर से जप करना चाहिए। और दो बात यहाँ कहा है कि जब कोई गुरु एक मंत्र देता है, कहता है कि इसको मौन जपना है तो मौन जपना चाहिए, और गुरु कहता है कि इनको उच्च स्वर से जपना चाहिए तो उच्च स्वर से जपना चाहिए। जैसे गुरु है कृपा जी, उसने कहा है हरे कृष्ण महामंत्र उच्च स्वर से जपो तो कीर्तन करते हैं। और एक मंत्र होता है जो ब्राह्मण दीक्षा होता है गायत्री मंत्र, तो उसको बोलना नहीं होता, उसको मौन जपना होता है ब्राह्मण। तो जो गुरु आज्ञा देता है उस हिसाब से करना चाहिए। अभी के जो गुरु है कथा कथित जिसको बोला जाता है वो अपने शिष्य को कान में मंत्र देता है, किसी को बताना नहीं। शास्त्र कहता है हरे कृष्ण महामंत्र है जो कलयुग का युग धर्म है, ना उनको सभी जगह खुले आम भगवान के भक्त। तो यहाँ अभी कलयुग में मन जो जब है बहुत कहते हैं कि मन विचार और नींद काम अनेक प्रकार के व्यवधान आते हैं, उनके कारण व्यक्ति मन में जपेगा भी तो सो जाएगा या विचार कहीं और सो। अगर उच्च स्वर से स्पष्ट भगवान के नाम का कीर्तन करेगा तो उसको नींद नहीं आएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम, वो ध्वनि के द्वारा उसका मन सतर्क रहेगा। ध्वनि होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उच्च स्वर से जप करते थे, रूपाल जी हमारे भी उच्च स्वर से जप करते थे, और चैतन्य महाप्रभु शरद गोस्वामी हरिदास ठाकुर है वो निर्धारित संख्या में भी माला करते, संख्या पूर्वक नाम करते। इसे हमारे शिवाश आचार्य कहते हैं कि शरद गोस्वामी हैं वो इतने ग्रंथ लिखे, डेली 20 घंटे 22 घंटे माला जप करते रहते थे। तो कहते तो वो भी संख्या में मतलब गिनते थे, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृत निंद्राहार विहार आदि विजितो चांतंत्य दीनो चयो राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव को। इसे कहते हैं कि उच्च स्वर से हमको गणना करते हुए नाम जप करना चाहिए। और नित्यानंद प्रभु में चैतन्य महाप्रभु को बोला था कि एक हाथ से आप नाम जप करते हो और दूसरे हाथ हाथ से आप भगवान के नाम को मंदिर में है या कोई भी जगह पर है तो भक्तों को खास कर बहुत विषय में चर्चा नहीं करें, प्रचार की चर्चा करें, भगवान की कथा की चर्चा करें, भगवान के नाम की चर्चा करें, अनेक प्रकार की चर्चा है उसमें हमको मग्न रहना चाहिए, बहुत ही चर्चा नहीं करना चाहिए, उसको प्रजल्प बोलते हैं। प्रयत्न करना चाहिए कि हम ऐसा न हो तो अच्छा रहेगा। और अब चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा दे आपने सबारे प्रभु को रे उपदेश कृष्ण नाम महामंत्र सुनो करिश। कहते के मुझसे महामंत्र सुनो
जितने में वो कहते हैं, मैं जो महामंत्र लेता हूँ उसे महामंत्र सुनो और मैं आपको कहता हूँ प्रजन्म मत करो। जिस तरह से मैं चैतन्य माँ हूँ कभी किसी से फालतू बात नहीं करती। पूरा 48 साल भगवान रहे तो पूरी 48 साल भगवान ने पूरा सुंदर आचरण करके तो बहुत सुंदर। और आगे कहते प्रभु बोले हरिलान ई महामंत्र यहाँ जप गिया कोरिया निर्व्यध। महामंत्र नियम पूर्वक संख्या पूर्वक जपो आप, और आप अगर इस तरह से नियम पूर्वक संख्या पूर्वक नाम जप करोगे तो सर्व सिद्धि आपको प्राप्त होगी। वही बात चैतन्य महापुरुष चैतन्य भागवतम में कहते हैं कहिलम ई महामंत्र ख जय गिया सबे करिया निर्बंधख होइते सर्व सिद्धि होइले सबर। वही बात कहते हैं कि संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए और सर्व सिद्धि आपको प्राप्त हो। इस तरह चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए। और एक सुंदर चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते लक्षेश्वर बलिकारी प्रतिदिन लक्षराम एक ग्रहण करे से जनेर नाम आमी बलि लभे लक्षेश्वर तथा भिक्षा अमर ना आई धन्य। चैतन्य महाप्रभु कहते कि जो व्यक्ति दिन में लाख नाम जपता है लाखों पति व्यक्ति है और उनके घर में भोजन निश्चित ग्रहण। चैतन्य महाप्रभु कहते लाख नाम लेते तो लाखों पति, करोड़ नाम लेते तो करोड़ों पति। अभी के पति है वो रोड में आ जाए रोड पर आ जाएंगे क्योंकि भौतिक संपत्ति के पीछे पड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है तो वास्तव में वो व्यक्ति धन्य है। और अभी हम किसके पीछे पड़े हैं, किस धन के पीछे पड़े हैं, भौतिक धन के पीछे होना चाहिए। देखो धन निषेध नहीं है, जीवन निर्वाह के लिए अभी कलयुग में धन की भी आवश्यकता है, लेकिन धन इतना होना चाहिए जितना हमारा निर्वाह हो सकते है। दिन रात 24 घंटे इस नश्वर धन के पीछे पड़ने से कुछ फायदा नहीं है। शास्त्र में उसको मूर्ख कहा गया है। इसे आवश्यकता है उसकी, धन कमाना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए और भगवान का प्रचार करना चाहिए। और अंत में रूपा जी कहते हैं कि सभी लोग जो है वो माला जप करते हैं तो माला जप के समय निश्चित रखना चाहिए मन में कि मेरा मुख्य काम जो है वो क्या है, भगवान के नाम का जप करना। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो माला करते समय ही कुछ और चिंतन मोबाइल से देखते रहते हैं, मतलब वो हुआ कि वो व्यक्ति भगवान के नाम को इम्पोर्टेंट देता है और दूसरे जो काम है जो उनके मन में चल रहे उसको इम्पोर्टेंट देता है, उनके कारण वो व्यक्ति निश्चित। इसे कहते हैं हमको कली में दृढ़ता का अभाव है, व्यक्ति दृढ़ता से दृढ़ होकर भजन नहीं कर पा रहा, दृढ़ होकर नाम नहीं ले पा रहा, मन विचलित है भाग जाता है, कुछ ना कुछ विचार आता है, कुछ ना कुछ काम में लग जाता है, दृढ़ नहीं हो पाता है। इसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि दृढ़ न होने के कारण कभी व्यक्ति 64 माला जप कर लेता है, कभी कोई व्यक्ति 16 माला करता है, कभी 8 करता है, कभी 64 माला करता है और कभी 64 दिन में 64 माला भी नहीं करता है, एक भी नहीं करता है। तो ऐसा नहीं क्योंकि वो दृढ़ नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यतंतस्य दृढ़वता, आपको मेरी भक्ति करनी है, मुझे प्राप्त करना है दिव्य आनंद सुख को प्राप्त करना है तो दृढ़, कैसा दृढ़ होना, यतन करना पड़ेगा, ध्यान को दृढ़ता लानी पड़ेगी। हमारे गुरु गोस्वामी पाद कहते हैं कि दृढ़ जो है उसके विषय में 6 अनुकूल वस्तु का है, 6 वस्तु उसमें दृढ़ता है, साहस शक्ति संकल्प निश्चय साहसिक बल, वो सब जो है वो मतलब कहते हैं कि दृढ़ता के साथ वो सब मिला। और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब जो गुण है साहस शक्ति संकल्प शक्ति निश्चय ये सब हम मतलब एक गुण कैसे प्राप्त करें, तो बहुत सुंदर भक्ति ठाकुर का जवाब देते हैं। गुण कैसे प्राप्त होगा कि हमें दृढ़ता है संकल्प शक्ति है जो मुझे करना है। गुरु गोस्वामी पाद कहते हैं संकल्प
निश्चय होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। तो कैसे आए? तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते इजी है, रूप गोस्वामी पास, सनातन गोस्वामी पास, हरिदास ठाकुर आदि जो हमारे आचार्य है, वो आचार्य के जीवन शैली जो है उनको समझना चाहिए, आचार्यों के जीवन चरित्र के अंदर दृष्टि डालना चाहिए और आचार्यों ने किस तरह से जीवन जिया है। जैसे आज हम देखें रूप गोस्वामी पाद का शायद तिरुभाव है, तिरुभाव है। तो इस तरह से जो आचार्य है तिरुभाव दिने आविर्भाव दिने उस दिन या कभी भी हम उस रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, हरिदास ठाकुर के जीवन शैली के ऊपर दृष्टि डालेंगे, उसके विषय में श्रवण करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो उनकी द्वारा हमें शक्ति है, दृढ़ता है। तो यहाँ भक्ति ठाकुर से ऐसे भक्त जो है ना, हरिदास ठाकुर एक तो बानो माला उनको भी लगा रहे, हरिदास ठाकुर एक तो बानो माला करते, मैं भी कुछ करने बोला, इतना तो नहीं हो सकता लेकिन कुछ करने का प्रयत्न, और जब हरिदास ठाकुर के सामने माया दी गई, वो विष्या आई तो विष्या को भी भक्त बना, किसके बल पर? हरिनाम। तो ये जब हम सुनते तो हमको दृढ़ता आती, अरे बाप रे हरिनाम में इतनी शक्ति है, मैं भी जपूंगा हरिदास ठाकुर की तरह, मैं भी दृढ़ होऊंगा। हम श्रम करेंगे आचार्य के विषय में, श्रम करेंगे। अच्छा, हरिदास ठाकुर को जो काजी था मुसलमान, उसने कहा कि तेरे मुंह से तू हरिनाम बंद कर दे, तो हरे कृष्ण महामंत्र जो ले रहा है जप रहा है उसको बंद कर दे, अगर तू बंद कर देगा लेना तो तुझे हम उच्च पोस्ट देंगे, हमें एक पोस्ट दे देंगे। लेकिन नहीं, हरिदास ठाकुर 22 बाजार में कौड़े से हरिदास को मारने का आदेश, और अगर वो जिंदा रहा तो जल्लाद को कहा था कि अगर जिंदा रहा तो आपको मार देंगे, आपकी मृत्यु निश्चित। हरिदास ठाकुर को मार रहे थे जल्लाद कौड़े और बोल रहे थे कि बोल तो हरिनाम बंद कर दे, हरिनाम बंद कर दे। तब हरिदास ठाकुर कहते, खंड खंड हय देह जाय यदि प्राण, तब आमी वदने ना छाड़ी हरिनाम। खंड खंड मेरे देह को कर दोगे ना, फिर भी मेरी जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण बंद नहीं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि ऐसे भक्त हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र पर हम दृष्टि डालेंगे तो पता चलेगा और दृढ़ता आएगी, करे बाप रे हरिनाम में इतनी शक्ति है, हरिदास ठाकुर के चरित्र को देख रहा हूं हमें भी दृढ़ता आ जाएगी, भक्ति करने की इच्छा हो जाएगी। तो सरल उपाय भक्तिनाथ ठाकुर कहते क्या करना चाहिए, हमारे जो आचार्य है उस आचार्य की जीवन शैली है उनको श्रवण करना चाहिए। हमारे गुरुपाद जी को आप देख लीजिए कितना संघर्ष, भयंकर संघर्ष। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता लिखा, इतनी मेहनत किया, पत्नी ने उसको बेच दिया, पत्नी चाय के फिर भी क्रोध नहीं किया प्रभुपाद, इतना बोला कि तू चाय से प्रेम करते तेरे पति से और मैंने इतनी मेहनत से लिखा है तो तू मुझसे प्रेम करते चाय से, हर छोड़ दिया। अनेक रूपा लीलामूर्त प्रदोगा ना, इतना सुंदर लिखा है रूपा जी का जो जीवन शैली है, तो उनको हम पढ़ने से श्रवण करने से इतनी शक्ति, मतलब इतना ना, तीन तीन बार रूपा जी को तीन तीन बार हार्ट अटैक आया, फिर भी इतनी दृढ़ता थी कि भगवान पर विश्वास। जब ये जब हम श्रवण करेंगे ना तो निश्चित हमें भी दृढ़ता है, इससे हमको प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को निश्चित पालन करना चाहिए, सुनना चाहिए प्रभुपाद जी के विषय में। चैतन्य प्रभुपाद लीलामृत को अगर नहीं पढ़ा है तो धीरे धीरे पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो इतना आनंद है प्रभुपाद जी की लीलामृत में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक के बाद धीरे धीरे इस तरह से भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, गुरु की आज्ञा का पालन। ऐसे ऐसा भी समय आ गया था कि उनको वापस आना था विदेश से, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो इतने दृढ़ संकल्प थे कि कोई बात नहीं, वहां जाकर भी मरना ही है ना, लेकिन मैं यहाँ गुरु की आज्ञा का पालन करते करते मर जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से वापस आऊंगा।
इतने दृढ़ थे प्रभुपाद जी, क्यों? प्रभुपाद जी की दृढ़ता क्यों थी? श्रवण कीजिए। इसलिए यहाँ भक्तों ठाकुर हमारे जो आचार्य हैं उनके विषय में कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो उसमें निश्चित दृढ़ता आती है। जैसे आप देखिए श्रीमद भागवतम चैतन्य चिंतामूल पढ़ोगे तो चैतन्य चिंतामूल में चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि मतलब चैतन्य महाप्रभु कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ध्रुव और प्रहलाद मास की कथाओं को 100-100 बार सुने। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद बोले अपने मुख से कि जब ध्रुव और प्रहलाद की जो कथा सुनता है तो उनको शक्ति में दृढ़ता मिलती है। ध्रुव मतलब क्या है? दृढ़ता, दृढ़ हो गए। माता को बोला बता मुझे वो भगवान कहां मिलेंगे, जो मुझे मेरे पिता के पिता मनु और मनु के पिता ब्रह्मा से भी ऊंचा राज प्राप्त मुझे दे सके। वो भगवान वो कहां मिलेंगे मुझे, वो जंगल में मिलेंगे। इतने दृढ़ प्रतिज्ञ नारद आए, नारद जी को भी बोल दिया कि नहीं अगर आप भगवान को प्राप्ति मुझे करा सकते हो तो आप यहां खड़े रहिए वरना अपना रास्ता। हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसी दृढ़ता प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे आचार्य की जीवन शैली को श्रवण करना चाहिए, तब दृढ़ता और दृढ़ता होनी चाहिए। अगर दृढ़ता नहीं है ना जीवन में तो हम भक्ति में आगे हैं लेकिन वो भक्ति की जो प्रोसेस होने जाए, जो आनंद होना चाहिए वो नहीं आएगा। फिर उत्साह नश्यात धैर्य रखकर हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहिए और विधि विधान का पालन करते रहिए। अपराध मत कीजिए, अगर अपराध होगा तो नहीं होगा कुछ। अपराध नहीं करेंगे फिर भले आप महामंत्र जपते जाएंगे वो आपकी प्रगति धीरे धीरे निश्चित। अपराध ना हो और दृढ़ता लाने के लिए हमारे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं हमारे समस्त आचार्य है उनके विषय में शुरू। आप भक्तिनाथ ठाकुर के खुद के जीवन में देखिए वो ग्रस्त थे, एक दो बच्चे 13-13 बच्चे थे उनके लेकिन फिर भी भक्ति में कितने दृढ़, दिन रात किसके विषय में विचार करते, भगवान के विषय। कुछ भी ग्रस्त थे और ग्रस्त को कितने काम होते, काम सब करते हुए भी जगन्नाथ बाबा जी, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, वो सब जो आचार्य है उनके विषय में उनको श्रवण करना चाहिए और खास करके इनका आविर्भाव और तिरुभाव के दिन उनके विषय में श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे उनके जीवन की, प्रभुपाद जी एक शब्द बहुत सुंदर कहते हैं अपने जीवन के बारे में, कहते हैं कि अपने जीवन के समस्त चरणों से मैं गुजर चुका हूँ। अपने अनुभव कहते हैं मेरे जीवन के समस्त, क्योंकि ग्रस्त थे तो सभी चरणों से सभी परिस्थिति से वो गुजरे हैं, मुझे इस भौतिक जगत का पूरे पूरा अनुभव हो चुका है। मुझे अनुभव हो चुका है और मैं समाज, परिवार, परिवार का प्यार, मित्रता, ये सब जो है वो सब निरर्थक है, कुछ काम का नहीं है, वो सब आडंबर है। रूपा जी कहते क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से हमको समझा रहे, वो आडंबर है। मौन सबका मतलब जो मैंने भौतिक जगत है उस सब चीजों का, चीजों वस्तु है उनका मैं रस चखा है, तो क्या मिला है, तो कहते हैं कि मैं उस सभी चीजों का रस चखा है और अनुभव के साथ मैं बोलता हूं कि इस चीज में हमको दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए जैसे मुझे नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ कर बैठा, मतलब सब कुछ देखा है, अनुभव भी मुझे है और मैं अनुभव के साथ कहता हूँ कि वास्तव में भगवान की भक्ति के अलावा कहीं सुख नहीं है, कहीं शांति नहीं। इसलिए आपको निवेदन करता हूँ कि आप भगवान की भक्ति कीजिए, चाहे ग्रस्त हैं आप, ब्रह्मचर्यवान प्रत्यय सन्यासी है, आप लोग क्या कीजिए, भगवान का भजन कीजिए और एक निश्चय रखिए कुछ भी हो, अभी मैं ब्रह्मचारी हूँ, ग्रस्त हूँ या कोई भी हूँ लेकिन मुझे भक्ति चालू रखनी है और धीरे धीरे मुझे इस संसार के कलुष से बाहर।
इसलिए ये जो हम बात करें जैसे प्रभुपाद जी भक्तिविनोद ठाकुर सब ग्रस्त ग्रस्त जीवन जीते जीते उसने बहुत अच्छी तरह से भजन किया है और भगवान का प्रचार भी बहुत सुंदर तरीके से किया है। प्रभुपाद जी के शिष्य है शुभ कीर्ति प्रभु आगे बताए। और एक बार वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी जब जिसको भी मिलते एक ही बात कहते हैं, जब मैं प्रभुपाद जी के रूम में उसकी मालिश करता तो प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी के हाथ में माला होती थी और प्रभुपाद जी का मालिश करता हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाते। जब भी कोई व्यक्ति आता शुभ कीर्ति वो तो बहुत प्रभुपाद जी के साथ रहे हैं, शुभ कीर्ति वो कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आता तुरंत प्रभुपाद जी को कहता प्रभुपाद जी मुझे एक प्रॉब्लम होती है, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स बताए शुभ कीर्ति रूप में प्रभुपाद जी एक ही बात कहते चैंट महामंत्र ध्यान करो। हमको भी अनुभव है हमारे इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य है जो भी वर्तमान है जिनकी कृपा से पूरे संसार में प्रचार हो रहा है, उसमें से प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिसका नाम है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो हमारे गुरु महाराज है। तो हम भी प्राय उनको कुछ ना कुछ कभी समस्या होती है तो हम पूछते हैं, तो महाराज एक ही बात कहते हैं कि आप ध्यान पूर्वक जपिए। अनेक बार हमने श्रवण किया है, मेरी बात नहीं, कोई भी गुरु का शिष्य महाराज जी से मिलेगा और कोई प्रॉब्लम दिखाएगा तो महाराज एक ही बात कहेंगे कि आप लोग क्या करो ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण। क्यों प्रभुपाद जी जो उपदेश दिया वही उपदेश अभी वर्तमान के आचार्य देते हैं, क्योंकि सभी चीज का सॉल्यूशन है ध्यान पूर्वक। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो निरपराध ध्यान पूर्वक जो भी हमने श्रवण किया इस तरह से हम जपेंगे तो जो सिद्धि है जो हमारे जीवन का परिवर्तन है भक्ति की प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जो जिस तरह से चाहते जो रस प्राप्त करना चाहते हैं। इससे ऐसा न हो भक्तों कि हम जो सुनते हैं जो हम श्रवण करते हैं जो पढ़ते हैं उस खाली किताबी बातें रह जाए, हमारे जीवन में अनुभव ना हो। इसे अनुभव करने के लिए ध्यान पूर्वक सब कुछ करना बहुत जरूरी है। हम श्रवण करेंगे ध्यान पूर्वक करने का प्रयत्न करें, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे सुबह मॉर्निंग में तब भी ध्यान पूर्वक नाम अपराध न हो और हमारा मन विचलित नहीं हो, दृढ़ता से भक्तों के बीच में बैठकर अगर भक्त नहीं है साथ में तो भी मन को दृढ़ रखकर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस प्रभुपाद जी वही कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। मैंने आपको शुरुआत में बताया था भक्ति रसा सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो समस्त शास्त्रों का सार है और वही महामंत्र का मतलब कौन से शब्द क्या है जो महामंत्र जो है उसकी महिमा को प्रचार करने के लिए ये शास्त्र है। समस्त शास्त्रों में हरिनाम की महिमा है और हरिनाम महामंत्र जो है वो काफी है। हरिनाम महामंत्र भगवान के धाम में जाने के लिए काफी है, लेकिन उनको किस विधि से जपना चाहिए उस शास्त्रों में लिखा है। जैसे हमने अभी श्रवण किया भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा, तो हम किस विधि से महामंत्र जप करना चाहिए, दृढ़ता से बैठकर सुबह जपने का प्रयत्न करें। अगर सुबह कुछ ऐसा काम है बिजनेस है आपका तो जब भी हम बैठे तो इस तरह से बैठे जप करने की हमारा मन कहीं विचलित न हो। अगर हम ऐसे जपते रहेंगे अपराध के कारण क्या होगा, इतने समय तक हम जपते रहते उसका कोई फल। निवेदन है प्रभुपाद जी हमको बारंबार कहते हैं, वर्तमान आचार्य कहते हैं और अनुभव की भी बात है कि हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे धीरे धीरे हमारे जीवन का प्रॉब्लम कलयुग है और कलयुग में निश्चित कलयुग मतलब कलह का युग, झगड़ा चिंता उपाधि का युग है निश्चित आएगा, लेकिन ये सबसे लड़ाई करने की युद्ध करने की शक्ति देगा भगवान का। तो निवेदन करता हूं कि हमको भगवान के नाम को दृढ़ता से ध्यान पूर्वक जपने का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की।